नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मामला सूबे का सबसे बड़ा दूसरे अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां पे डॉक्टरों की लापरवाही एक मामला सामने देखने को मिला है, जहां पे एक व्यक्ति की आंख निकालने का मामला प्रकाश में सामने आया है। 14 नवंबर को एक गोली लगी अवस्था में पंटुस कुमार, जो नालंदा जिला के रहने वाले हैं, उन्हें NMCH में भर्ती कराया जाता है, लेकिन 15 तारीख की उसकी मृत्यु हो जाती है और 15 तारीख को ही रात में पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण उसको ICU में रखा जाता है। ICU में रखने के दरमियान में करीबन अर्ली सुबह में उनकी आँख निकाल दी जाती है। जो परिजनों ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पर उसकी आँख निकाली गई है, लेकिन पूरे मामले की जाँच अभी चल रही है। जहाँ तक अगर बात करेंगे तो परिजनों ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि फंटूस कुमार जो गोली लगे अवस्था में यहाँ पे भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी आंख निकाली गई। लेकिन जब अधीक्षक से बात उन्होंने की है परिजनों ने, तो उनका कहना है साफ तौर से कि डॉक्टर ही परिजन जो मृतक थे उनको चूहे के द्वारा आँख को कुतर दिया गया है, यानी चूहे के आँख खा गए। लेकिन अब ये तो जांच की बाद ही पता चल पाएगा कि डॉक्टर की लापरवाही कहाँ पे देखी जा रही है, कि डॉक्टर के लापरवाही के द्वारा उस फंटूस कुमार की आँख निकाली गई है या चूहे ने मृतक की आँख खा गई है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ये जानने वाली है कि जब सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल अस्पताल कॉलेज में अगर इस तरह की घटना घटती है तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही मानी जाती है। पूरे घटना को देखते हुए स्थानीय थाने को सूचित किया गया है। स्थानीय थाने पूरे मौके पर पहुँच के पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष ने भी साफ तौर से कहा है कि जो मृतक हैं उनके आँख के साथ छेड़छाड़ किया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं परिजन, क्या कुछ कर रहे हैं थाना अध्यक्ष आलमगंज, उनके बयान के साथ छोड़ जा रहे हैं। घटी है 5 बजे मेरा पेशेंट एक्सपायर कर गए, उसके बाद मैंने भरपूर प्रयास किया कि मैं पोस्टमार्टम करा लूँ। इसके लिए बहुत जगह मैं पैरवी भी किया, डीएम के पास भी किए, SP साहब से भी कहे, नालंदा SP से भी कहे कि सर करवा दीजिए, मेरा पेशेंट बहुत दिक्कत में है, सीरियस में है, इसलिए करवा देते चल जाते लेके। लेकिन बोले कि ये कॉल भी किए आलमगंज थाना को पड़ता है, जहाँ वहाँ आए भी स्टाफ, आने के बाद मतलब कहे कि जब तो बंद हो गया जो ये नहीं होगा, नहीं होगा तो हम लोग रुक कुछ आदमी रुक के पेशेंट के लेकर घर चले गए। मैं पेशेंट किस मैंने उसका वाइफ थी, सबके बहुत सीरियस पोजिशन में थी, तो उसको घर भेजाया इलाज के लिए और कुछ आदमी रह गया ICU में, हम लोग को जाने नहीं दे रहा था, ICU में जाने का परमिशन नहीं, इसलिए हम लोग गए भी नहीं। बिना सवेरे देखे तो देखते हैं कि आँख निकला हुआ है, 11 बजे हम देखे हैं सही है। किसका आँख निकला हुआ था? फंटूस कुमार का। फंटूस कुमार किस अवस्था में यहाँ पे आए थे? उस पेट में गोली लगा था, यहाँ पर पेट में जो किडनी से स्पर्श करके इसी कारण मौत हुआ है। 24 घंटा इलाज भी चला। किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं? लापरवाही मेरा देखिए, इलाज में कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे शक हो रहा है कि सब मिली भगत से आँख निकालने का प्रक्रिया चल रहा है, या मेरा पार्टी से मिल के मेरा केस खराब करने के लिए प्रक्रिया बनाया गया है सिस्टम। इसमें हो सकता है कि दूर तक भी पदाधिकारी फंसे। मैं विजय कुमार सिन्हा ग्राम भुड़ारी से बोल रहा हूँ। मेरे भाई फंटूस कुमार को गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था, जिसके इलाज में हम लोग चिंसौरा थाना में FIR कर करके उसके बाद हम लोग NMCH रेफर कर दिया गया। NMCH में ऑपरेशन के बाद ICU वार्ड में वेंटिलेटर पर इसको भर्ती था। दिनांक 15 तारीख को 8:55 पर इसको मृत घोषित कर दिया गया शाम में। उसके बाद हम लोग 12-1 बजे तक हम अपने पेशेंट को देखे, सही सलामत मेरा पेशेंट था, आंखों को भी सही था, जिसका हम लोग फोटो भी बना लिए हैं, उसका फुटेज भी है। और उसके बाद 5 बजे सुबह जब हम लोग आए, ICU वार्ड से हम लोग को बाहर निकाल दिया गया कि आप लोग चलिए ICU वार्ड में, ज़्यादा नहीं इसमें आदमी नहीं रह सकते हैं। सुबह 5 बजे जब हमने पेशेंट को उघाड़ कर देखा तो मेरा पेशेंट का बायां आंख जो है निकाला हुआ था। किनके द्वारा निकाला गया? अब किनके द्वारा निकाला गया था ये हम लोग को पता नहीं है। अच्छा। हम लोग को बाहर कर दिया गया था, इसको CCTV फुटेज चेक किया जाए, सुपरिटेंडेंट से जांच किया जाए, जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। हमारा कहना है कि जब हमारा ICU वार्ड में भी जब हमारा पेशेंट जो है सुरक्षित नहीं है तो कहाँ विश्वास किया जाए। ये हमारा बिहार का कितना आतंकवाद है ये सब जो बढ़ा हुआ है, उस पर कड़ी निगरानी किया जाए। और DM से भी हम लोग रात में आदेश। क्या लग रहा है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, जो मरीज को आँख निकाल दिया जा रहा है? हम लोग रात में DM साहब से भी बात किए थे फ़ोन पर कि हम लोग को मरीज को 8:55 में डेथ हो गया है, तो हम लोग को मरीज को सौंप दिया जाए और पोस्टमार्टम कर करके हम लोग को दे दिया जाए, ताकि सही समय पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। लेकिन DM साहब भी बोले कि नहीं, रात में नहीं होगा,
ये जब भी होगा तो कल सुबह होगा, कल सुबह में टाल दिया गया और मेरे पेशेंट का बायां आंख जो है वो निकाल दिया गया, इसका जांच सघन रूप से जांच किया गया। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार सिन्हा। मृतक का क्या नाम है? मृतक का फंटूस कुमार, पिता दिलीप प्रसाद, ग्राम हुड़ारी। कुछ मामला है सर? तो नालंदा के गोली लगने का मरीज इमरजेंसी स्टेट में आए हुए था और इनकी मृत्यु लगभग 9 बजे रात्रि में हो गई। परिजन का आरोप है कि रात में उनकी आँख को निकाल दिया। उसी समय में डॉक्टर के द्वारा, मेरे द्वारा सबकी हर चीज़ का जांच कर रहे हैं, हम प्रॉपर सीसीटीवी भी चेक कर रहे हैं, हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। कहीं कहीं लगता है उनके आँख के साथ छेड़छाड़ हुआ है, आँख निकाला गया है। इस समय में डॉक्टर के द्वारा भी चेक किया जा रहा है, मेरे द्वारा। परिजन आरोप लगा रहे हैं सर, और बताया जा रहा है कि चूहे ने आँख खा लिया है, इस तरह का विवाद सामने आया है। परिजन ने आरोप नहीं लगाया, डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि मरने के बाद जो छेड़छाड़ हुआ है चूहा के द्वारा हुआ है। इन पत्थर दृष्टिया लगता है, हम लोग पूरा सीसीटीवी देख रहे हैं, हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी में अभी तक क्या दिखा है? सीसीटीवी अभी 1 बजे रात तक हम लोग देख रहे हैं, 1 बजे रात तक इनके परिजन भी खुद अंदर बाहर कर रहे हैं, और लोग भी जो मरीज पहले से उसमें हैं उनका भी मरीज अंदर है, और भी हम सीसीटीवी देख रहे हैं। दर्श न्यूज़ के लिए पटना सिटी से मैं मुकेश कुमार।